कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ दिनों से आपका SST का वीडियोस नहीं आ रहा था और उसकी कुछ वजह थी जिसकी वजह से आपका SST का वीडियोस नहीं आ रहा है। हालांकि आपको पता है कि हम लोग ने जो वीडियोस दो वीडियोस जो लाए हैं उसका हम लोगों ने बोर्ड के थ्रू लाया है, लेकिन आज ये पहला वीडियोज है जो स्क्रीन के थ्रू एक रिटेन फॉर्म में आपके पास ला रहा हूँ। बताइएगा कि कैसा लगेगा ये वीडियो, कैसा लगा आपका वीडियो। आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग ही अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है, ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँगा, अगर वो तरीका आपको अच्छा लगता है तो वो तरीके से वीडियो बनाऊँगा। तो आपके जवाब का रहेगा मुझे इंतज़ार, क्योंकि मैं हूँ आपके जवाब के लिए बहुत ही बेकरार। चलिए आज का जो क्वेश्चन है आपका SST का जो आज का टॉपिक, तो पता है आपको कि चैप्टर तो आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी वो आपका टॉपिक क्या है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन काफ़ी सारे चीज़ों को किया है, तो वो चीज़ें क्या किया है उन चीज़ों को आपको बता दिया है। मतलब हम लोगों ने अभी तक देखने की कोशिश किया जाए तो 6 से 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, राइट? 6 से 7 क्वेश्चंस किया है और 6 से 7 क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड और आपके टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ों को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, जैसा कि पता है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो आज जो है उसी सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हमारे हाथ लगी है और ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो है आपका हाउ डिड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे TWO नहीं होगा, ये चीज़ें होंगी TO, ये चीज़ें TWO नहीं होंगी, ये चीज़ें क्या होंगी TO। तो यहाँ से ये चीज़ों को क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा और ये चीज़ें 2 लिख दीजिएगा, राइट? क्वेश्चन कह रहा है कि रिवॉल्यूशनरीज आइडिया, जो क्रांतिकारी जो विचार था वो दूसरे देशों तक कैसे फैला, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था तो वहाँ से क्रांतिकारी विचार फैला था, तो वो कैसे फैला दूसरे देशों तक, इसका मोटिव क्या था, वो चीज़ें क्या कहना चाहते थे, तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं आगे। चीज़ें बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको दर्शाई गई है, चीज़ें बहुत ही आसान है और आप अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो हर चीज़ें आसान है। देखिए लिखा हुआ है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज नॉट ओनली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज बट ऑल्सो इंस्पायर्ड द ओप्रेस्ड पीपल विथ लिबरल आइडियाज। कह अब जरा देखिए, 2-3 वर्ड्स यहाँ पे कन्फ्यूजिंग वर्ड है जो आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर। ओप्रेस्ड का मतलब होता है, आपको पता है क्या, जो जुल्म सहता है ना, जो जुल्म, ओप्रेस्ड पीपल मतलब होता है जुल्मी लोग, मतलब कि जो जुल्म सहे हुआ, तो ओप्रेस्ड पीपल, पीपुल का ये चीज़ क्या है, एडजेक्टिव है, राइट? कैसा है लोग भाई, तो ओप्रेस्ड का मतलब आप समझ लीजिए जो जुल्म सहता है, जो बर्दाश्त करता है ना उन चीज़ों, उनको बोलते हैं आपको। चलिए, और लिबरल्स मीन्स आज़ादी, लिबरल्स उनको स्वतंत्रता चाहिए, आज़ाद चाहिए, लिबरल आइडियाज। कह रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें की बात कर रही है, यहाँ पे चीज़ों को अगर देखने की कोशिश करते, कह रहा है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज होते हैं वो ना सिर्फ दूसरे देशों तक फैला बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित किया, इंस्पायर्ड ओप्रेस्ड पीपल्स को भी प्रभावित किया लिबरल आइडियाज़ के थ्रू। ये जो आज़ादी की जो इनकी आइडियाज़ थी, इनके थ्रू दूसरे ओप्रेस्ड पीपल्स को भी क्या किया, इंस्पायर्ड किया। आगे देखते हैं ये चीज़ें क्या है पूरी तरीके से। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 4 पॉइंट्स में हमने जैसे पहले ही आपको बताया था कि हम लोग सारे चीज़ों, जो भी आंसर्स लिखना है वो आंसर्स आपके पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और सारी चीज़ें वो अगर इम्प्रेस हो गया तो हमारे पास मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और क्वेश्चंस अगर ये चीज़ देखने की कोशिश करिएगा तो Every2, जैसा कि मैं पहले दिन से बताते आ रहा हूँ कि NCERT की हर लाइन धीरे धीरे यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको और हर चीज़ें आपको बखूबी समझने को मिलेगी। ये पहली दफ़ा है जब क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, राइट? तो पहला आपका देखने को मिल रहा है, पहला आपके पास क्या है, हमारे पास द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज
clearly stated it was their mission to liberate not only the French people but also the people of all parts of Europe from despotism. Despotism की बात करते हैं तो despotism का मतलब होता है तानाशाही. डेस्पोटिज्म इस होता है तानाशाही. कह रहा है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्लियरली स्टेट किए, ये चीज़ बताए थे वहाँ पे, जो आंदोलनकारी थे वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टेट किए थे कि उनका जो मिशन है सिर्फ आपके फ्रेंच के लोगों को लिबरेट करना नहीं है. लिबरेट मतलब आज़ादी दिलाना नहीं है, सिर्फ फ्रेंच के लोगों को आज़ादी नहीं दिलाना चाहते थे बल्कि यूरोप में जितने भी दूसरे हिस्से थे जहाँ पे लोग आपके डिस्पोटिज्म के शिकार थे उन लोगों को भी आज़ादी दिलाना था. सिर्फ फ्रेंच के लोगों को उनका आज़ादी दिलाना उनका ये चीज़ नहीं था, मोटिव नहीं था. उनका मिशन क्या था? यूरोप के दूसरे हिस्से उन सारे हिस्से से लोगों को ये डिस्पोटिज्म से क्या करना, मुक्ति दिलाना, ताकि वो चीज़ें अपने वो नेशंस की नेशंस के बारे में सोच सके, मतलब अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सके. मतलब कहाँ कोई भी बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए, बाउंडर्स नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़ क्या किया गया यहाँ पे, जैकोबिन क्लब्स का एस्टेब्लिशमेंट सेटिंग होने लगा. जैकोबिन क्लब मैंने जैसे कि लास्ट वीडियोज में बताया था आपको जैकोबिन क्लब्स के बारे में कि जैकोबिन क्लब नाइन्थ क्लास का वो चीज़ सेक्शन है. यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो मध्यवर्गीय लोग थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे और स्टूडेंट थे, इनके द्वारा अलग अलग जगहों पर जैकोबिन क्लब्स इस्टेब्लिश करके सेट करके लोगों को ये चीज़ मोटिवेट किया जाता था, लोगों को बताया जाता था इसके बारे में कि इसका मकसद क्या है, राइट. दूसरी चीज़ बात करते हैं, तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट्स हमारे पास है. दूसरी चीज़ दो पॉइंट्स आपके पास क्लियर हो गए, राइट. तीसरी चीज़ कह रहा है कि विद द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ पे ऑफ डबल नहीं होगा, सिंगल मिस्टेक है वो चीज़, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर्स. जैसे ही आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुआ, स्टार्ट हुआ, जैसे ही ये चीज़ फूटा, द फ्रेंच आर्मीज कैरिड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म. तो फ्रेंच आर्मीज क्या था, ये आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, विचार थी, इनको ये लेकर चले गए. फ्रेंच आर्मीज का मकसद ही वही चीज था, राइट. फ्रेंच आर्मीज कैरिड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म. इतना क्लियर. आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेपोलियन. एक इसमें सबसे बड़ा चीज़ें था, नेपोलियन एक बहुत बड़ा हिस्सा था. नेपोलियन के बारे में क्या चीज़ कहा जाता है, ज़्यादा देखिए. नेपोलियन अगर देखने कोशिश की, ये पूरा का पूरा मैंने जो सेंटेंस लिखा है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा है. ये चीज़ अगर बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ज़रा देखिए कैसे. नेपोलियन के बाद आपका वेन ही कॉन्क्वर्ड अ लार्ज एरिया, उसके बाद कॉमा, दोनों तरफ से कॉमा है, ध्यान से देखिएगा. ये चीज़ें इंग्लिश का एक बहुत हिस्सा, बहुत अच्छा हिस्सा है जो कि हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्लासेस में. सो उसके लिए वेट फॉरवर्ड, बी कनेक्टेड विथ अस. इंग्लिश क्लासेस जैसे आपको पता है कि एक क्लासेस चल रहा है, दो क्लासेस और अनाउंस कर दिया गया है जो कि एक ट्यूसडे को होने वाला है और 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है 12 बजे, और एक और है थर्सडे को. तो टाइमिंग सेम. तो यहाँ पे कह रहा है कि नेपोलियन, अगर इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, नेपोलियन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ऑननेस बाय हिज यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड सिविल कोड. He abolished the feudal system and freed peasants from bondage. यहाँ पे कह रहा है कि नेपोलियन जो थे उन्होंने इनडायरेक्टली वैसे, डायरेक्टली वे में नहीं, क्या किया, एक बहुत बड़ा योगदान दिया. क्या किया, लोगों के मन में एकता की भावना, वननेस, एक सब लोग की कुछ ऐसा चीज़ किया जिसकी वजह से सारे लोग यूनाइट हो गए, एकता की बात करने लगे, वननेस का फीलिंग्स होने लगा, महसूस जैसे लग रहा था कि सारे लोग एक ही तरह के, राइट. तो ऐसे चीज़ें वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोगों के बीच में ऐसा होने लगा. और कैसे किया, तो किया क्या यहाँ पे कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया. यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि प्रशासनिक सेवा को यूनिफॉर्म कर दिया सारे लोग के लिए, एकदम सेम चीज़ें, क्लियर. सिविल कोड लाया 1804 में, याद रखिएगा ये चीज़, सिविल कोड 1804 में आया था, और इसी 1804 के सिविल कोड को ही बोलते हैं आपका नेपोलियनी कोड. क्वेश्चन आता है कि नेपोलियनी कोड क्या है, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस में. याद रखिएगा, सिविल कोड आपका 1804 का सिविल कोड को आपका नेपोलियनी कोड भी कहा जाता है, राइट. तो दूसरी चीज़ बात करें कि ही एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम. ही एबॉलिश्ड क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया. फिर फ्यूडल सिस्टम को पढ़ना होगा, आपको पता होगा,
और जो भी किसान थे, जो भी चीज़ें थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो किसान थे, वो लोग जो बॉन्डेज, जिन जो बंधनों में बंधे हुए थे, उनको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। मतलब ये चीज़ें दे करके, ये चीज़ें फैसिलिटीज़ दे करके लोगों को ऐसा एहसास दिला दिया, ऐसा चीज़ें उनके मन में ला दिया कि सारे लोग वो उन्हीं की तरह सोचता है, उन्हीं की तरह बात करता है, उन्हीं उन्हीं में से एक है, राइट। वननेस की आइडियाज़ को, फीलिंग्स को क्रिएट कर दिया। तो ये चीज़ें थी। क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे कि नेपोलियन कौन कौन से देश को जीता, नेपोलियंस कौन कौन से देश को जीता। तो आपको मैं बता दूँ, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। ये क्वेश्चन आता है कि आप उन देशों का नाम बताइए जो आपके, जो नेपोलियन ने जीता था। तो उसमें से आपके आंसर्स होंगे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली एंड जर्मनी। ये चार पाँच देश उन्होंने जीता था। ये लार्ज एरिया लिखा हुआ है सर यहाँ पे, वेन ही कंकर्ड लार्ज एरिया, तो ये कौन से एरियाज थे, यही चीज़ थे। तो इन सारे देशों को क्या कर लिया था, जीत लिया था, ये बड़े बड़े एरिया को जीत लिया था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो रही है। क्वेश्चंस हमारे पास क्या था, क्वेश्चंस हमारे पास यही था कि हाउ डिड फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वॉर्स, रिवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों तक कैसे फैला। तो ये चार यहाँ पे वजह थे, चार वजह में से एक वजह आपका था कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ उनका मिशन, आज़ादी का जो मिशन है वो सिर्फ फ्रेंच के लोगों के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि यूरोप के अदर पार्ट्स में भी जो भी आपका तानाशाही का शिकार हैं उनके लिए भी है। दूसरी चीज़, जैकोबिन क्लब का आपका वो चीज़ हुआ। तीसरी चीज़ आपके पास बात करते हैं कि आपका जैसे ही वो चीज़ फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वॉर से स्टार्ट हुआ, फ्रेंच आर्मीज कैरीड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के आइडियाज़ को क्या कर लिया, कैरी कर लिया, हिट, राइट। नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ है कि आप इनडायरेक्ट तरीके से नेपोलियन ने क्या किया, एक वननेस की आइडियाज़ को, वननेस की फीलिंग्स को क्रिएट किया। कैसे, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ला करके और सिविल कोड ला करके इन चीज़ों को क्रिएट किया, राइट। दूसरी चीज़, ही एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरी चीज़, लोगों को जो बंधनों में मुक्त थे कुछ ना कुछ कर देने की वजह से या फिर जो भी तरीके से थे, उन चीज़ों को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। और इस तरह से लोगों के मन में वननेस की फीलिंग्स आने लगी, राइट। तो ये चीज़ रहा हमारे पास क्वेश्चंस आज, बस इतना ही। ये चीज़ बताइएगा, ये जो तरीका है, जो जिस तरीके से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, ये तरीका आपको कैसे लगा। चलिए, अगर ये चीज़ें आपको अच्छा लगेगा तो इन तरीके से लाएंगे, अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो उन तरीके से भी लाएंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। सो आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आपके पास, आगे क्वेश्चंस बहुत चीज़ें लाएंगे। सो या इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन है, कभी जब स्कूल खुले तो स्कूल का तो अटेंड करना ही है, और ये चीज़ आपके लिए तब तक बेनिफिशियल साबित होता रहे। तो सो रुकना नहीं है, अगर आप रुक गए तो सब सपने आपके चुक गए। सो थैंक यू सर।